It's a story of a woman's extraordinary grit and determination. It's a story of a woman who has an inspiration for paraplegics and people with disabilities across the country. मैंने दो बार सुसाइड करने की भी कोशिश की कि इस हालत में मुझे नहीं जीना है और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ ये पर फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो तब मुझे लगा कि ऊपर वाला भी चाहता है कि कोई ना कोई वजह है कि मैं जीऊँ और कुछ करूँ आगे बढ़ूँ Rendered a paraplegic after being trapped in debris for 2 days after the devastating Bhuj earthquake in 2001, 30-year-old Nita Panchal underwent several life-saving surgeries. Sheer determination made her rise above her disability to become a trailblazer for the disabled rights movement. व्यक्तियों को रोज नौकरी मिले क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग समाज की जो विचारधारा है वो ऐसे होती है कि विकलांग व्यक्ति कुछ कर नहीं पाते हैं तो उसके लिए उनको जॉब पे नहीं रखते हैं तो मैं ऐसे दाताओं से मिलती हूँ और उनको सेंसिटाइज करती हूँ कि विकलांग व्यक्ति भी मैं दिखाती हूँ उनको कि विकलांग व्यक्ति कितना काम कर सकते हैं मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ उनको कि मैं सुबह से लेकर रात तक कितना काम कर सकती हूँ And if this accomplishment wasn't enough, Nita is also a keen sportsperson who won a gold medal in the wheelchair race in the Paralympics competition in Bangalore in 2006. मैं बॉम्बे दिल्ली में मैं जब गई स्पेशल ओलंपिक्स में तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि विकलांग व्यक्ति हाथ नहीं है फिर भी पेंटिंग कर रहे हैं एमआर बच्चे डांस कर रहे हैं बहुत अच्छा हेयरिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स और बॉयज डांस करते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ करूँ एक शरीर की खामी हो जाने से लाइफ रुक नहीं जाती। Happily married and a mother of a 4-year-old boy, Nita cherishes every moment with her loving family. कोई भी तकलीफ होती है वो समय के मर्यादित होती है। उसको आप आत्मविश्वास से उससे हिम्मत हार के नहीं, पर आप ये सोचने का प्रयास करें कि कैसी इस तकलीफ से हम कैसे जल्द से जल्द बाहर आ सके। तकलीफ कोई भी परमिनेंट नहीं होती है और अगर परमिनेंट तकलीफ भी आ जाए जैसे शारीरिक तकलीफ तो उसमें भी हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें भी आप कैसे जिंदगी अलग से जी सकते हो वो देखना चाहिए Suddenly words to live by wife mother and social activist Nita Panchal is an inspiration for everyone around her and is changing the world one step at a time With Gopi Manyar in Ahmedabad bureau report headlines today